हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रोफेसर रीता पावडे, लेक्चरर एट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर. आई वेलकम ऑल फॉर द वीडियो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैविंग अ सब्जेक्ट कोड 22213. टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन चैप्टर 3 ट्रांजिस्टर एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रांजिस्टर कॉन्फिगरेशन कॉमन कलेक्टर. The course outcome for this course as use BJT and FET in different electronic circuits. Here we can use BJT, that is the bipolar junction transistor, and the field effect transistor to design a different electronic circuit, and we will understand what is the use of that BJT and the FET. The chart shows the CO and PO mapping. Here the CO3 getting mapped with PO1, 3, 4, 6, 7 and 2. How this PO, CO3 getting mapped with all these PO we have studied in the last lecture. So, this CO3 getting mapped with all these POs. Learning outcome. After the completion of this course, learners will be able to, it means you will be able to describe CC configuration, that is the common collector configuration with neat circuit diagram. उसके बाद में यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कॉमन इमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर. देखो, इन द लास्ट लेक्चर वी वर स्टडीड अबाउट सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इन दिस लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद द transistor configuration. As we know that the transistor configuration, that is the transistor, can be divided into three different parts and having the three different types of configuration. One is the common base configuration, second one is the common emitter configuration, and the last one is common collector configuration. All of you know that what are the different types of configuration. ये हमने यहाँ पे पढ़े हैं. Already हमने CB और CE को समझ लिया है कि कैसे वो वर्क करता है इन द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन कलेक्टर. नाउ इट स्टार्ट्स विद द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. देखो, दिस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ इमिटर फॉलोअर सर्किट. इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इमिटर फॉलोअर सर्किट. जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, they will definitely know about this emitter follower circuit in the next lecture in this subject, electronic devices and circuits. It is called as common emitter configuration since both the signal source and the load share the collector terminal as a common connection point. अभी इसको क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको कॉमन कलेक्टर बोला जाता है. you must write, you have to write down here, that is the कलेक्टर. यहाँ पे आप लोगों को कलेक्टर लिखना है. इट इज कॉल्ड एज अ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सिंस बोथ द सिग्नल सोर्स एंड द लोड शेयर द कलेक्टर टर्मिनल एज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट. ठीक है, देन द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन एट द इमिटर टर्मिनल. आउटपुट कहाँ पे मिलता है, आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन एट द इमिटर टर्मिनल. मतलब इनपुट साइड में कौन रहेगा, बेस, और आउटपुट साइड में रहेगा इमिटर. Then the input characteristics of common collector configuration is similar with the common emitter configuration. मतलब input characteristics यहाँ पे अपने को पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं. Input characteristics exactly same like that of the common emitter configuration. तो वहाँ पे अपने जो output input characteristics निकाले थे common emitter configuration को, उसको ही आपको refer करना है for the common collector configuration. Common collector circuit configuration is provided with a load resistor connected from emitter to ग्राउंड. यहाँ पे आप लोगों को लोड रेजिस्टर प्रोवाइड किया जाएगा. कहाँ पे, टू कनेक्ट, मतलब लोड रेजिस्टर कहाँ कनेक्ट किया जाएगा, फ्रॉम इमिटर टू ग्राउंड. इमिटर साइड पे आप लोग लोड रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे एंड देन इट इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड. इट इज यूज प्राइमरीली फ्रॉम इम्पिडेंस मैचिंग पर्पज सिंस इट हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस. It is used primarily for impedance matching purpose since it has high input impedance and the low output impedance. So this is all about the common collector configuration. आप लोगों को ध्यान में रखना है
कि इनपुट और आउटपुट साइड कौन सा है इसका, उसके बाद में कौन सा टर्मिनल आपको कॉमन देना है ताकि वो इनपुट और आउटपुट दोनों साइड को कॉमन रहे। सेकेंड थिंग कि आप लोगों का इम्पीडेंस हाई है कि लो है। देन कौन सा पर्पज आप लोग कॉमन कलेक्टर के, कौन से पर्पज के लिए आप लोग कॉमन कलेक्टर यूज कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे दिया कि इसका यूज इम्पीडेंस मैचिंग पर्पज के लिए आप लोग कॉमन कलेक्टर को यूज करते हो। अभी कौन से, तो हाई इनपुट इम्पीडेंस रहता है और लो आउटपुट इम्पीडेंस रहता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट द कॉमन इंस्ट्रक्शंस फॉर द कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन। देन गो फॉर द सर्किट डायग्राम। देखो यहाँ पे पीएनपी एज वेल एज द एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों को यूज करके आप लोगों को दिया है क्या, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कॉमन कलेक्टर में आप लोगों का कलेक्टर जो है वो कॉमन है बोथ फॉर द इनपुट साइड एज वेल एज फॉर द आउटपुट साइड। नाउ देखो एक चीज ध्यान में रखना है कि डायग्राम निकालते टाइम कौन सा ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर द एनपीएन, एज वी नो दैट एनपीएन दैट इज द पी टाइप मटेरियल गेटिंग सैंडविच इन बिटवीन द टू एन टाइप मटेरियल। बराबर है, पी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द होल्स, पी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द होल व्हाइल द एन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हियर बेस इज कनेक्टेड टू द पी मटेरियल, मीन्स पी मटेरियल यहाँ पे कौन सा रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस पॉइंट बेस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देन एन टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई दिस एन टाइप मटेरियल गेटिंग कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई। ये चीज ध्यान में रखना है कि हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। देन आप लोगों को ये डायग्राम ना निकालते हुए यू हैव टू चूज दिस काइंड ऑफ डायग्राम। ओके, देन आप देखोगे यहाँ पे कि इमिटर कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बराबर है, इमिटर कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दैट्स व्हाई यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। बट फ्रॉम बेस साइड दिस करंट फ्लोज टुवर्ड्स द इमिटर, द करंट फ्लोज टुवर्ड्स द इमिटर, दैट्स व्हाई दिस कलेक्टर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो कैसे आप लोगों का करंट फ्लो होने वाला है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव एन टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो आप लोगों का बट ऑब्वियस है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। बराबर है, सभी लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में। तो सेम यहाँ पे एन टाइप में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द होल्स, और होल्स और इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक साथ आ जाएंगे वहां पे नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और होल्स अगेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पे एक लेयर फॉर्म होगा, दैट लेयर इज कॉल्ड एज अ डिप्लीशन लेयर, दैट लेयर इट इज कॉल्ड एज अ डिप्लीशन लेयर। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन। आप लोगों को नोट्स जो प्रोवाइड किए उसमें सब दिया हुआ है फॉर द बीजेटी, हाउ दिस कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन हैज वर्क वो भी आप लोगों को बताया गया है। तो देखो दिस इज अबाउट द कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन। देन व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन कलेक्टर। आप लोगों ने कॉमन बेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक देखे, कॉमन कलेक्ट इमिटर के कैरेक्टरिस्टिक दी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर के सिंपल सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट कि इनपुट टर्मिनल क्या है, उसका आउटपुट टर्मिनल क्या है, उसके बाद में व्हाट्स द फेज एंगल ऑफ इट, फेज एंगल इट इज हैविंग अ जीरो, इनपुट टर्मिनल इज नथिंग बट द बेस, आउटपुट टर्मिनल इज एट द इमिटर पॉइंट, देन वोल्टेज गेन इज लो, इट रिक्वायर्ड वोल्टेज गेन लो, करंट गेन इसका हाई रहता है एज इट इज द रेशियो ऑफ इमिटर करंट एंड द बेस करंट, देन इट रिक्वायर पावर गेन एट अ मीडियम साइज एंड द इनपुट इम्पीडेंस इज हाई एंड द आउटपुट इम्पीडेंस इज लो, राइट। तो ये देखो दिस इज अबाउट द नॉर्मली यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस लो एंड इनपुट इम्पीडेंस हाई रहता है, राइट। दिस इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन का बेसिक क्या है, उसका सर्किट डायग्राम क्या है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर। देन देखो मैंने जैसे बताया कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन कलेक्टर के एग्जैक्टली सिमिलर टुवर्ड्स द कॉमन इमिटर। बराबर है, तो यहाँ पे आप लोगों को उसको ड्रॉ करने की फिर से जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू गो थ्रू इट टू अंडरस्टैंड, फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दैट इनपुट साइड।
तो देखो अपन डायरेक्टली जाते हैं आउटपुट साइड में। आउटपुट साइड में देखो यहाँ पे आईई और वीसीई के बीच में एक ग्राफ निकाला है। दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द एक्टिव रीजन, सेचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। आप लोगों को कट ऑफ रीजन ऐसा रीजन रहता है जहां से आप लोगों का फ्रीक्वेंसी का ब्रेकडाउन, वोल्टेज का ब्रेकडाउन होता है, दैट रीजन इट इज कॉल्ड एज द कट ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन में आपका ट्रांजिस्टर जस्ट वर्क करने लगता है और एक्टिव रीजन में आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्रांजिस्टर आप लोग हमें मोस्ट ऑफ द जगह पे या तो स्विच या फिर एम्पलीफायर दोनों के लिए आप यूज करते हो। तो कैसे आप लोगों के ड्रॉ होते हैं, मतलब वेवफॉर्म जो होते हैं वो ड्रॉ होते हैं, और कैसे आपका आईबी करंट फ्लो होता है हाईली लेवल पे, वो देखो। आप लोग देखोगे कि जैसे जैसे वोल्टेज यहाँ से फ्लो, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, आपका वोल्टेज भी यहाँ पे बढ़ रहा है, बट एट द पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ब्रेकडाउन पॉइंट, दैट इज फ्रॉम दैट आपका जो करंट है वो कॉन्स्टेंट लेवल पे जा रहा है, दैट इज नथिंग बट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर। देखो यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है सीबीसी एंड सीसी का, ये कॉमनली कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर दिया है, दैट इज द इनपुट इम्पीडेंस। तो सीबी का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, वही अगर सीई के पास जाते हो तो थोड़ा मीडियम होता है, और सीसी का जो होता है वो हाई होता है। देन करंट गेन क्या है कि कॉमन बेस का लेस देन और इक्वल टू वन होता है, उसका एक फॉर्मूला भी दिया है, अल्फा इज इक्वल टू आईसी अपॉन आईई, आईसी अपॉन आई। देन करंट गेन फॉर द कॉमन इमिटर, दैट इज द हाई विच इज डिनोटेड एज अ बीटा, इज इक्वल टू आईसी अपॉन आई बी, एंड द करंट गेन फॉर द कॉमन कलेक्टर दैट इज डिनोटेड बाय द गामा, विच इज नथिंग बट योर आईई अपॉन आई बी। तो दिस आर द फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो एक बार एक रिलेशन भी पूछा गया था अल्फा बीटा और गामा में, वो मैं आप लोगों को नोट्स में भिजवा दूंगी, तो आपको उसको रेफर करना है। ठीक है, वोल्टेज गेन मीडियम मीडियम लेस देन और इक्वल टू वन रहता है, आउटपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस का हाई रहता है, कॉमन इमिटर का मीडियम रहता है और कॉमन कलेक्टर का लो रहता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सीबीसी एंड सीसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी को समझना चाहिए कि कॉमन बेस क्या है, कॉमन इमिटर क्या है एंड कॉमन कलेक्टर क्या है। So this lecture summarizes as अपन ने क्या पढ़ा, CC configuration using NPN as well as मैंने PNP का भी diagram आप लोगों को दिखाई, output characteristics of CC configuration and difference between CBC and CC configuration. So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about the transistor as a switch. Thank you so much.